कार्ज एंड बाइक्स डिटेलर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं डिटेलिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कभी कभार हाईवे या रोड पर हाई स्पीड में गाड़ी चलाते वक्त आपके सामने वाली गाड़ी या बगल वाली गाड़ी के पहियों से कंकड़ या पत्थर छिटक कर आपके गाड़ी के पेंट पर कुछ इस तरह के स्क्रैचेस बनाते हैं, जिसे हम पेंट चिप कहते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने घर में ही इन पेंट चिप्स को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल कार्ज एंड बाइक्स डिटेलर में। तो चलिए घर पे अपने गाड़ी के पेंट चिप के रिपेयर की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले हाईवे में ड्राइव करने के बाद जब मैं घर लौटकर गाड़ी को वॉश कर रहा था तो मुझे दो या तीन इस तरह के पेंट चिप्स नजर आए। ये पेंट चिप्स आपके क्लियर कोट स्क्रैचेस के मुकाबले ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी का जो मेटल सरफेस है या प्राइमर सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है और वहाँ ऑक्सीडेशन के कारण वहाँ से पेंट के उखड़ने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो पेंट चिप को रिपेयर करने के लिए मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं इस्तेमाल करूँगा एक कार बॉडी फिलर का, जिससे पेंट चिप में बने गड्ढे को अच्छी तरीके से स्मूथली भर दिया जा सके। उसके साथ मैं इस्तेमाल करूँगा एक टचअप पेंट का, जो गाड़ी के कलर से मैचिंग होना चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए होगा एक छोटा सा एप्लीकेटर इस बॉडी फिलर को अप्लाई करने के लिए, जो मैंने खुद से बनाया है अपने घर में, और एक छोटा सा इस तरीके का पेंटिंग ब्रश पेंट को अप्लाई करने के लिए, और साथ ही चाहिए होगा एक मर्जर सॉल्वेंट स्प्रे, जिससे टचअप पेंट का कलर गाड़ी के कलर से मैच हो जाएगा। इस तरीके का एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गंदगी को साफ करने के लिए और एक या दो माइक्रोफाइबर टॉवल। दोस्तों, सबसे पहले जहाँ जहाँ पेंट चिप है वहाँ हम रबिंग अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ कर लेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेटर में थोड़ा सा बॉडी पेंट फिलर लेकर जहाँ जहाँ पर पेंट चिप है वहाँ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा जोर से प्रेशर नहीं लगाना है, बस उतना ही प्रेशर लगाना है ताकि पेंट चिप पर जो बना हुआ गड्ढा है वो अच्छी तरीके से भर जाए। इसे अप्लाई करते वक्त अगर ये बॉडी फिलर गाड़ी के पेंट में थोड़ा ज़्यादा लग भी जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम उसे बाद में रबिंग अल्कोहल से इस तरीके से साफ कर सकते हैं और पेंट पर लगा हुआ एक्स्ट्रा बॉडी फिलर अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। ये सूखने के बाद हम देखेंगे जो सरफेस है, मतलब जहाँ पर पेंट चिप था वो काफ़ी स्मूथ हो गया है और पेंट चिप का जो गड्ढा है वो अच्छी तरीके से भर चुका है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद जब ये बॉडी फिलर अच्छी तरीके से सूख जाए तब हमें इन जगहों पर टचअप पेंट को अप्लाई करना है। टचअप पेंट को अप्लाई करने के लिए हम इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और टचअप पेंट जो आपके गाड़ी के कलर से मैच होना चाहिए उसे इस तरीके से इस जगह पर अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते वक्त दोस्तों हम देखेंगे कि जो पेंट का सरफेस है यहाँ पर वो उतना स्मूथ नहीं होगा आपके ओरिजिनल पेंट के फिनिश से, मगर ये बाद में लगभग ठीक हो जाएगा। हमें पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन जगहों पर पेंट चिप है वहाँ पर अच्छी तरीके से हमें पेंट को भरना है। तो दोस्तों, टचअप पेंट लगाने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे इसे सूखने के लिए, लगभग 10 से 15 मिनट। सूखने के बाद हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमने टचअप पेंट लगाया था वहाँ पर पेंट थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा, हालांकि इसका कलर काफ़ी हद तक अब गाड़ी के ओरिजिनल कलर से मैच हो गया है। इस उभरे हुए पेंट को ठीक करने के लिए अब हम मर्जर सॉल्वेंट स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। मर्जर सॉल्वेंट स्प्रे क्या करेगा, इस उभरे हुए पेंट को गाड़ी के पेंट की सतह के साथ लेवल कर देगा, इसमें एक अच्छी शाइन भी ले आएगा और इसे काफ़ी हद तक ठीक कर देगा। स्प्रे करते वक्त जहाँ पर थोड़ा बहुत ओवर स्प्रे हो जाएगा उस जगह को हम एक माइक्रोफाइबर टॉवल से साफ कर लेंगे और इसे लगभग 24 घंटा छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से क्योर हो सके और अगले दिन हम इसका रिजल्ट देखेंगे। दोस्तों, लगभग 24 घंटा क्योर हो जाने के बाद ये है आपके सामने रिजल्ट। सबसे पहले मैं फ्लैश लाइट जलाकर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो दो पेंट चिप थे वो लगभग गायब हो चुके हैं और इसका कलर बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट के साथ मैच हो चुका है। अब धूप में आप देख सकते हैं कि अगर हम बहुत सामने से देखें तो ही थोड़ा बहुत स्पॉट नज़र आ रहा है, हालांकि ये लगभग 96-97% अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुका है। बाएं साइड में एक और छोटा पेंट चिप था वो तो मुझे बाद में बिल्कुल ही नज़र नहीं आया। दोस्तों, इस तरह के पेंट चिप को रिपेयर कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो पेंट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स, घर में जिस तरीके से हमने रिपेयर किया उस हिसाब से ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं।
दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।